सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई दो मैचों की T20 सीरीज अब भारतीय टीम की हार के साथ समाप्त हो चुकी है। साथ ही अब सभी दर्शकों का ध्यान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल्दी होने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज की तरफ हो चुका है। आपको बता दें कि यह सीरीज 2 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला 2 मार्च को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है, जिसके लिए दोनों ही टीमें कड़ी प्रैक्टिस कर रही हैं। दोस्तों अगर बात करें T20 सीरीज की तो आप सभी को बता दें कि T20 सीरीज अपने आप में ही काफी रोमांचक रही, लेकिन उसके बावजूद पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम 7 विकेट से हार गई, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले वनडे मैच से ही हराने में काफी बेताब होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सभी को यह भी बता दें कि BCCI ने वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान पहले ही कर दिया था और वनडे सीरीज में अब आपको दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या जैसे भी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या चोटिल हो चुके हैं और उनकी जगह टीम में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है, तो वहीं टीम में दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों हार्दिक पांड्या की चोट का कारण तो समझ आता है, लेकिन दिनेश कार्तिक को टीम से बाहर किए जाने के बाद ऋषभ पंत को टीम में जगह दी गई है, जो कि एक अहम फैसला है। साथ ही इसके बाद अब सबके मन में यह सवाल भी उठने लगे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से भारतीय टीम के कप्तान और कोच किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के पास जहां एक तरफ बेहिसाब अनुभव है, तो वहीं ऋषभ पंत भी भारतीय टीम के उभरते सितारे हैं, जिन्होंने हाल ही में विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। पर अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच शुरू होने में ज्यादा समय नहीं रहा और सब इस बात को जानना चाहते हैं कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में से कौन सा खिलाड़ी पहले वनडे में खेलेगा, तो इसी दौरान पहले वनडे मुकाबले से पहले एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसे महेंद्र सिंह धोनी के फैन सुनकर तो निराश हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी खबर सामने आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल चोटिल हैं और वह पहला वनडे मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरीके से फिट नहीं हैं। आपको बता दें कि यह सब महेंद्र सिंह धोनी के साथ प्रैक्टिस करते समय हुआ। जब धोनी मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनकी हैमस्ट्रिंग का पेन दोबारा से जाग उठा। दोस्तों यह बात नई नहीं है जब महेंद्र सिंह धोनी की हैमस्ट्रिंग में पेन हो जाता है, ऐसा पहले भी हुआ है और न्यूजीलैंड के दौरे पर भी इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी कुछ मैच मिस कर चुके हैं। साथ ही हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों T20 मुकाबले में भी महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि प्रैक्टिस के दौरान धोनी की हैमस्ट्रिंग का यह पेन ज्यादा बढ़ चुका है और वह शायद पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए ना दिखें। दोस्तों अगर धोनी भारतीय टीम की तरफ से पहले वनडे मुकाबले में नहीं खेलेंगे तो यह बात तो साफ है कि उनकी जगह आप सभी को ऋषभ पंत खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दिनेश कार्तिक तो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में ऋषभ पंत ही भारतीय टीम की विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी संभालते हुए दिखेंगे। साथ ही ऋषभ पंत ने हाल ही में भारतीय टीम के लिए न सिर्फ बेहतरीन विकेट कीपिंग करी है बल्कि जोरदार बल्लेबाजी भी करके दिखाई है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, पहले वनडे मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में से किस खिलाड़ी को भारतीय टीम के लिए खेलना चाहिए? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा और ऐसी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।